तो क्या हाल है आप लोग के, उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोबारा खेलना है माइनक्राफ्ट हार्डकोर। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ अपना एएफके फिशिंग फार्म। मैं यहाँ बैठ के कर रहा था फिशिंग फार्म। एएफके रोड मस्त नेम है ना है। तो मैं पिछले 1 घंटे से कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से व्हाट द फक सीरियसली मैंने बाकी लोगों को देखा है, उनके अगर हमें इंचेंटिंग बुक्स मिलती हैं, नेम टैग्स मिलते हैं, मेरे को मिले थे नेम टैग्स, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं। अभी पिछले एपिसोड में बनाया था हमने ये अपना, ये है क्रीपर फार्म। अगर वो वीडियो नहीं देखी जाके देखो। तो मुझे वहाँ पर करना था एएफके, ताकि मुझे यहाँ पर मिले गन फार्म। और ये मैंने गन फार्म क्यों बनाया, पहला तो मेरे लाइटर के लिए, ताकि मैं बना सकूँ फायरवर्क। और मैं 1 घंटे से कर रहा हूँ तो अच्छा हो गया है। मुझे पहले लगा था कि ठीक नहीं होगा। और जो मैंने ये बनाया था, मैंने इसका बनाया था 1 लेवल, मैंने इसके 3 लेवल और बना दिए। पहला है पोटैटो कैरेट, पोटैटो कैरेट। और तुम लोग हैरान हो जाओगे देख के, मैंने 1 घंटे से किया। मैंने अभी चेक किया था, मैंने लगाया यहाँ पर 1 2 3 4। मज़े की बात आती है यहाँ पर कि जब मैं लास्ट वाला खोलता हूँ, फुल चेस्ट ऑफ पोटैटो कैरेट, पोटैटो 2 चेस्ट 3 चेस्ट फुल, चौथी ऑलमोस्ट फुल हो गई है। जब मैंने लास्ट देखा था ये लाइन नहीं थी, ये नीचे चली जो 2 है। बहुत अच्छी तरह, तो ये बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। और जब मैं कर रहा था एएफके, तो यहाँ पर मुझे थंडरस्टॉर्म हुआ था, तो लाइटनिंग की वजह से यहाँ पर स्केलेटन होर्ड्स स्पॉन हुए थे। उसकी इमेज शो हो रही होगी अभी स्क्रीन पर। और मुझे वहाँ से मिले ये, मैंने स्केलेटन्स को मार दिया तो ये रहे 4 मिले। मैंने इनका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये चेंज ना हो। यार कमेंट में बताओ मैं इनके नाम क्या रखूँ। 2 मैं नाम पिक करूँगा कमेंट में से, और 2 नाम रखूँगा जो, और 2 वैसे रैंडम नाम रखूँगा जो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, ठीक है। सो अगर तुम लोग अपना नाम रखना चाहते हो तो कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। और तुम लोग देख रहे हो कि मेरा नेदर पोर्टल किधर है, मैं बताता हूँ किधर है। टाडा। तो मैंने अपना ये बनाया है। मैंने सोचा था थोड़ा सा अच्छा बनाऊँ, जहाँ तक मेरी क्रिएटिविटी बनती थी मैंने वहाँ तक ये बना लिया है। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी यूज़ की है। जहाँ तक मैं अच्छा बन सकता था वहाँ तक मैंने बनाया अच्छा, ठीक है। बोले को टाडा। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है सोल सैंड बायोम। यहाँ पर है वार्प क्रिम्जन, और ये है अपना जो भी है, ये नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। तो हमारा इस वीडियो का गोल है, हम जाए नेदरराइट माइनिंग पे। मैंने ये खोदा हुआ पहले का, ताकि मुझे करना ना पड़े। ये जा रहा है डायरेक्ट लेवल, जा रहा है हमारा लेवल 14 15 पर। तो वहाँ पर जाकर करेंगे नेदरराइट माइनिंग। और पिछली वीडियो के अंदर कमेंट किया था कि आपने आयरन फार्म नहीं बनाया हुआ, सो ये रहा आयरन फार्म। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है नीचे? ब्रो यू आर नॉट अलाउड नीचे। ओ भाई क्या लैग हुई थी, मैं डर गया। बूम, 4 मिले, 6 ड्रॉप है, मैक्सिमम में 5 मिल सकती है। तो ये काम करता है। यहाँ पे मैं 3 विलेजर्स रखे हुए हैं। यहाँ पर सेंटर में ज़ोंबी है, जब रात होती है तो ये डर के सो नहीं पाते, तो ये करते हैं आयरन गोलम स्पॉन करते हैं। और मैं पिछले 1 घंटे से एएफके कारों बनाने के बाद, और ये है रिज़ल्ट। ऑलमोस्ट 6.5 स्टैक हो गया, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं पकड़ लेता हूँ गन पाउडर और पेपर मेरे पास है इसके अंदर, मेरे पास किसी में इसमें है ना, इसके अंदर है। अगर मेरे रॉकेट ख़त्म हो जाए तो ठीक है, ताकि मैं आ सकूँ दोबारा, क्योंकि हम जा रहे हैं डेजर्ट ढूंढने, ताकि हम बना सकें वो TNT बना सकें, ठीक है। 1 स्टैक मतलब 1/2 स्टैक पकड़ लेते हैं डेजर्ट ढूंढने। सो वहाँ चलते हैं अभी के लिए। अबे रेड टावर यार, ये बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इसके कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ सेव, ठीक है, ताकि अगर बाद में अगर हमें करना हो तो हम रेड कर सकें। अभी चलते हैं। ओह मिल गया, डेजर्ट ही है ना, ये डेजर्ट है। ये चीज़ पास में ही है ये जगह। सो अपने निकालते हैं सुपर एफिशिएंट, ये अपनी जो भी है चावल। ओके सो मैं थोड़ी देर से माइन कर रहा हूँ और मुझे लगता है इतने काफ़ी होने चाहिए क्योंकि मैं बहुत देर से माइन कर रहा हूँ, शक्कर भी नहीं फुल हुआ मेरा। तो ये वाला पार्ट मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं वैसे बता देता हूँ। मैं घर जाके मैंने सिर्फ TNT बनाए और मैं चला गया था उस वक्त नेदर में, और अब आगे देखो। यहाँ तक ठीक है कि ज़्यादा दूर तक भी नहीं जाना ताकि हमारा ये जगह फट जाए। लाइट करते हैं और चलते हैं और देखते हैं हमें मिल जाए। एक्सीलेंट, वो फटा ही नहीं। एंशिएंट डेब्री है, मुझे तो नहीं दिखती, उससे भी लाइट कर देते हैं। एंशिएंट डेब्री आगे फट रहे, आगे वाला वहाँ जाके स्टॉप हो गया। सो अब तक हमें एक मिला है, एक ही है ना, पी लिए ताकि यहाँ से गिरे ना। और ये रही हमारी फर्स्ट एंशिएंट डेब्रीज, ये आ गए। ओ यहाँ पे भी है, वाह। एक तीन है मेरे ख्याल से, तीन में ही होते हैं मैक्सिमम स्पॉन, या फिर चार होते हैं। इधर उधर हो रहा हूँ शायद आस पास, चार है हमारे पास। मैं से लाइट ओके मेरा से लकी हूँ मैं, हैं मेरे को मिल रहे। इसे कर देते हैं लाइट ताकि आगे जाए। एक और एंशिएंट, अरे एक मिला है, दो आया था पीछे छुपा था। एक दो नो हो गया मेरे पास, ये भी अच्छा आइडिया ना। ये ओ मिल गया, वाह। एक ये और भी है, ये वाला आइडिया अच्छा नहीं, मेरी पिकैक्स भी नहीं टूटती जल्दी क्योंकि ये रिपेयर हो जाएगी। चलो TNT लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा काम होगा। करते हैं लाइट दोनों को, होपफुली मिल जाए। अगर मैं गोल्ड भी माइन कर लूँ। एंशिएंट डेब्री कोई भी नहीं है फिलहाल से, ठीक है भी लावा ही है इसकी। ओह फक, पारिस डैमेज नहीं हो रहा मेरे को। मस्त है ना, ये जाके इसे कर देंगे ब्लॉक ताकि ये लावा हमें। ओ है एक मिल गया, एक तो मिला। और ये हमारे हो गए मेरे ख्याल से 11 हो गए। ये कर लेते हैं माइन ताकि XP मिलती रहे हमें। ओह तीन और हैं, ये अलग वेन है, ये अलग वेन है, वेन नहीं एक ही वैसे कि वो तीनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं साइड से, है ना। 14 हो गया, वो बेडरूम तक पहुंच गया। एक भी एंशिएंट डेब्री नहीं होगा यार, इधर उधर मिस कर दिया मैंने, इधर उधर जाते हुए। हम कौन से लेवल पर हैं इस वक्त? हम 9 पर हैं, या इस लेवल पर नहीं मिलते मेरे ख्याल से। लेवल 15 में भी, हाँ 12-15 तक। और मेरे को जाने दे, मैं वहाँ पर TNT लगाना है। ये हम लेवल हैं 14, हाँ कोई इतने TNT आए हुए हैं। ओ इधर नहीं लगाना पड़ा, तक ठीक है। चलो देखते हैं। दो तीन दिखने भी दो। और लावा में मना गिर जिनसे ये इम्यून होते हैं लावा के। टाड़ा मैं फायरबॉक्स क्या करना है, मैं ये नीचे रखने तक पता चले कितने मैंने कर लिए। ये टैंको रेजिस्टेंस का भी नीचे रख लेते हैं या नहीं अंदर अंदर जाता हूँ। लावा मैं प्लग कर मैं इसे ना कर ही देता हूँ। वहाँ मैं इसके अंदर गिरूँगा तो मारूँगा। हो गया, ये भी मान कर लेते हैं यार। और है ही नहीं एंशिएंट डेब्री। TNT हमारे पास है स्टैक एक। ओ ये रहे। अच्छा उन्होंने देख लिया इधर उधर। एक दो ही से और मिल जाते यार। चलो दो नहीं दो हो सॉरी। ओए बस देख मुझे मिलते नहीं, दूर से देखो तो नहीं होते। एक यहाँ पर है लावा में ना चले जाए, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आह शिट इनोइंग। लग ये पानी के अंदर कूदो। 23 हो गए हैं, नफ होने चाहिए ना। क्या बोला एंशिएंट डेब्री मैंने पकड़ लिया था तो? हाँ है नहीं और तो नहीं। मैं सीधा लाइन में खोद के फिर से वही वाला तरीका आजमाऊंगा। शवल लेती है तो क्या वहाँ हम अपना TNT इस्तेमाल करेंगे। और कोई भी एंशिएंट डेब्री नहीं, वो एक है। चलो लाओ से पहले एक ही या दो तीन होंगे। पहले साइड से मान करके देख लेता हूँ। ओके सो हमारे पास हो गए 24। मुझे तो नहीं दिख रहे यार, लावा के पीछे होते हैं कभी कभी। पिछली बार वहाँ पर ही मिले थे। कहाँ से प्लग करना है इसे? मेरे पास फायर रेजिस्टेंस का भी नहीं है, मुझे गिरना नहीं है ना। ओ हाँ है। एक तो मिला। ये आगे ना ये ग्रेवल मुझे नहीं लगती, जल्दी खत्म हो। वो दो है, नाइस। मेरे पास 26 हो गए। इधर नहीं प्लेस करना मैंने, थोड़ा सा वहाँ पे जाकर कर लेता हूँ। इधर और इधर एक और TNT का स्टैक। क्या तो यहाँ पर नहीं मिले? 26 है यार। ये वाले TNT बस फोड़ के मैं निकलते हैं। लावा लावा देखो मैंने यार इस लावा को करना है मैंने प्लग बिना आग लगे। हो जाएगा हो जाएगा। ओ मेरे को वहाँ पर दिख गया TNT। ओ एंशिएंट डेब्री सॉरी। पार्कोर नहीं हुआ। यहाँ पर देख लेते हैं, लावा के नीचे भी मिलते हैं ना कभी कभी हमें। जल्दी जल्दी और मुझे लगता है यहाँ पर है क्या? नहीं है। ओ ये भी रहती है, शेप बड़ी मस्त है ना। रस्टी आयरन टाइप। ये रे दो ये मेरे ख्याल से सेकंड रेयरेस्ट है। ये मटेरियल टाइप कह लो, TNT नहीं पता, 1 2 3 है, नहीं वो आगे वाले फोड़ता हूँ, फिर हम चलेंगे घर में। फिर कहाँ से चक्चा है? चलना बंद कर, अब खत्म हो जाना चाहिए, अब खत्म हो रहा है, थैंक गॉड, सालों बाद। 1 2 3 इसके नीचे होगा क्या? प्लीज 1 2 निकला है बस, ठीक है। 31 हो गए यार, 31 हो गए यार, ठीक नहीं। मैंने बाकी लोगों को देखा है 5-5 स्टैक TNT लगाने के बाद उनको जाके मिलते हैं ये 10-20 को। भाई हम लकी नहीं हो गए। ओ दो वो भी रहे। बस ये मेरा लावा करना है, इसे मैं प्लग कैसे करूँ? इस तरह TNT भी तब तक फोड़ देते हैं। ओह शिट, ओह मेरी हेल्थ, ओह शिट, आई और से मरने वाला होने पे डरा दिया। एक एंशिएंट डिब्री मिला, करीब कैसे थोड़ा सा डैमेज हुआ था यार, वो लावा में गिरा, लावा का डैमेज था। वो 3-3 है, वाह, मान करने में टाइम लगता है। एफिशिएंसी कौन सी है? एफिशिएंसी 4 है मेरे पास। एक ही है और तो मैं ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ। जो मेरे पास 50 TNT हैं वो मैंने यूज़ किया और मुझे उससे सिर्फ मिले थे 8 और मिले, और उसके अंदर मेरे को 1 घंटा लग गया। सो मैं वो वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ। अब मैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल के इनको करता हूँ, ये गोल्ड पकड़ लेता हूँ। और क्या मुझे चाहिए था यहाँ से, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ याद आया, ये रखना अंदर। हम पहली बार नेदर में गए और इतना अच्छा हमने लेके आया 48 एंशिएंट डिब्री, लकी से हम। हाँ हमें चाहिए ये, तो पकड़ लेते हैं, एक पकड़ते हैं वुड। हमने बनाना है स्मिथिंग टेबल, जो बनता है इस तरह, आई गेस। हाँ यहाँ पर आ गया था, ठीक है। जब होंगे हो भी गए, वाह जल्दी हो गए। हमारी रेसिपी खुल गई है, वो 9 बना सकते हैं। नहीं हमारे पास गोल्ड नहीं है, गोल्ड भी नहीं है मेरे पास यार। हमने बना लिए 12। हाँ पहले उतारते अपना आर्मर और ये साथ कर दिए जाते हैं। नेदराइट हमें मिल गया, क्या नॉकबैक रेजिस्टेंस मिल गया हमें। हर चीज, और इसी के साथ हमें मिल गई अपनी अचीवमेंट कवर में विद डेब्री। भाई क्या बैडएस है ये, लग रहा है मज़ा आ गया मुझे तो। ये होता है आर्मर, भाई तुम लोग देखो सही क्या मस्त लग रहा है। तू भी आ जा यार, और इधर शवल भी कर लेते, 4 हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि इसके कर्स ऑफ वैनिशिंग है। वैसे कर्स ऑफ वैनिशिंग काम की नहीं, क्योंकि मैं अगर हार्डकोर में मर गया तो मर गया। और रखते अपना गोल्ड अंदर, ये स्पीशियस यहाँ पर रखते हैं। ये नेदरराइट 4 एक्स्ट्रा पड़े हैं हमारे पास। सो हम दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। और हमारा नेक्स्ट टास्क होगा विदर स्केलेटन स्कल्स इकट्ठा करना ताकि हम फाइट कर सकें विदर से, ताकि हम अपने लिए एक ले सकें बीकन, जो एक है एडवांसमेंट है हमारे पास, जो है ये समन वेदर। विदर को हमें करना है, समन करना है और ब्रिंग होम द बीकन, एक बीकन को प्लेस करना है हमने, ठीक है। कमेंट तो वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों और कज़न के साथ शेयर कर दो ताकि ये यूट्यूब कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़ सके। और मुझे कमेंट बताना कि मैं इनके नाम क्या रखूं, ठीक है। और मैं चला इस तरह के बेहतरीन गेम्स खेलने, तब तक के लिए बाय बाय।